अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है हमेशा की तरह आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को खैरियत से होना भी चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती हूँ और आप लोगों को मैं इंटरटेन करना चाहती हूँ, आपको हर जगह दिखाना चाहती हूँ, अच्छे से बताना चाहती हूँ। तो आज हम लोग गए थे TDF हाउस, वो आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये है एमेजिना रोड पे, ये मज़ार कायद के बिल्कुल सामने है ये, और आप जब इसको गूगल मैप पे डालेंगे तो ये आपको सामने नज़र आ जाएगा। बिल्कुल इजी रास्ता है इसका। बाकी मैं आपको कुछ भी पूछना हो आपको कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगी कि इसकी लोकेशन क्या है। वैसे आप मैप पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये था TDF हाउस, ये हम हुए थे अंदर एंटर। और यहाँ पर आने के बाद अलग ही मतलब आपको माहौल मिलेगा, ऐसा लगेगा आप लोग दोबारा से स्टूडेंट बन गए हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट ही आए हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी के लोग भी आए हुए होते हैं, कॉलेज के भी आए हुए होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल माहौल ऐसा चाहिए कि आप डिस्टर्ब ना हो और आपको सुकून चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे संडे की वजह से, लेकिन यहाँ पे फिर भी सुकून था, शोर नहीं था। और आई थिंक सो यहाँ बच्चे अलाउड नहीं हैं, शायद नॉट कंफर्म, तो मैंने यहाँ कोई बच्चा नहीं देखा था। लेकिन बहुत सुकून था, बहुत सुकून था, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। असल में ये जो है तीन पोर्शंस में बना हुआ है, पहले इनका ग्राउंड है, फिर फर्स्ट है, फिर रूफ टॉप जो है उस पर इन्होंने रेस्टोरेंट टाइप का बनाया हुआ है, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, इनको थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है ये जगह अब लोगों को नई नई पता चलना शुरू हुई है तो लोग आना शुरू हुए हैं। तो ये देखिए TDF घर का सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, हर चीज़ पे मेंशन है। मैं बहुत इंस्पायर हुई कि कराची में भी ऐसी कोई चीज़ खुली है कि आप लोग जाएँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप वहाँ पर आराम से पढ़ भी सकते हैं। पूरा इन्होंने बायोडाटा, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि क्या चीज़ कब यूज़ हुई थी, ये लाइब्रेरी थी, ये बुक्स, सिर्फ बुक्स आपको अलाउड हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर बुक्स पढ़ सकते हैं। हर तरह की बुक्स थी यहाँ पे नॉलेज के लिए और पूरे ट्रेडिशनल स्टाइल में उन्होंने दोबारा से शायद इसको रिन्यू किया है। और ये देखिए ये सब कुछ लगा हुआ था, मैं आप लोगों को क्लोजली करके सब दिखाऊंगी। ये डेकोरेशन पीसेज भी थे, प्लेट्स भी थी, यूनिक चीज़ें थी, सारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी जो आपको मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें थी, ये कायद आज़म के ज़माने की चीज़ें हैं आई थिंक सो। तो ये देखें ये था इनके, ये ड्रेसिंग टेबल फर्नीचर भी था जो कि बहुत एंटीक पीसेज इन्होंने रखे हुए थे। ये इस तरह फ्रेम्स थे, ये सोफ़ा सेट था और इस पर बैठना भी अलाउड नहीं था, उस पर लिखा हुआ था डू नॉट टच के, आप बैठ नहीं सकते यहाँ पे। और ये गेम्स भी थे, ये शतरंज थी, ये खेल सकते हैं आप, और आगे कैरम था वो भी खेल सकते हैं, और इन्होंने लूडो वगैरह भी रखा हुआ था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिस चीज़ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच वो आप नहीं टच कर सकते। ये भी ड्रेसिंग टेबल थी, ये डोनेशन बॉक्स था, आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन ने ही किया है, डाउट फाउंडेशन जिनका है उन्होंने ही इसको रेनोवेट किया है आवाम के लिए। पहले यहाँ पे टिकट नहीं था लेकिन अब जो है उन्होंने 100 रुपीज़ एंट्री टिकट लगा दिया, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको एंट्री टिकट देना होगा। बाकी इसके अलावा आपको अगर कुछ खाना पीना होगा उसके चार्जेज होंगे, बाकी आप फ्री में यहाँ पे घूमें और चीज़ों को देखें और नॉलेज लें। बहुत मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि नई नई चीज़ों की नॉलेज हो और आपको पता हो क्या चीज़ कब हुई थी, जो हमसे पहले हो चुकी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो चुका है जो हमें नहीं पता है और क्या क्या था। यहाँ पे बुक्स भी हमने रीड की थी और काफ़ी नॉलेज मिली थी, लेकिन मैंने ये सोचा है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, फुर्सत होगी, तो हम ज़रूर जाएंगे और यहाँ बैठ के बुक्स को डिटेल में रीड करेंगे। ये बुक्स भी आप लोग रीड कर सकते हैं, पीछे जो मैंने दिखाई वो भी कर सकते हैं, शेल्फ में जितनी भी बुक्स लगी हुई आप रीड कर सकते हैं। अच्छा ये देख लेंगे, यहाँ पे पियानो था, इसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी म्यूज़िक की चीज़ें भी हैं और फर्नीचर भी हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इन सब पे जिसमें लिखा हुआ डू नॉट टच उस पर आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने पढ़नी है इनकी इन्फॉर्मेशन, साथ में इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई कि कब हुआ था, किसने यूज़ किया था और कहाँ से आया है और कब से रखा हुआ है। तो इसमें कुछ फर्नीचर ऐसा भी था जिस पर आप बैठ सकते हैं, ज़्यादातर पे आप नहीं बैठ सकते, उस पर लिखा हुआ था कि डू नॉट टच।
तो जिस पे लिखा हुआ है तो उस पे आप नहीं बैठ सकते, ये कैरम था ये भी हमने एंजॉय किया था, और इसके अलावा शतरंज थी वो भी हमने एंजॉय की थी, मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और ये देखेंगे पहले ये टेलीफोन होते थे, ये टीवी होता था, सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। ऐसी यहाँ पे कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि जो पहले ज़माने में होती होगी और हमें पता नहीं होगी या पता होगी। बहुत सारी यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ें देखी जिसके बारे में हमें नहीं पता था। तो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा था बहुत टाइम से कि मैं TDF हाउस जाऊँ, TDF घर को एक्सप्लोर करूँ, मैं खुद भी देखूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज भी मिलेगी और आप लोग खुद भी जा सकते हैं। ये शीशा रखा हुआ था जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते होंगे, तो आप लोग ज़रूर जाएं यहाँ पे अपने बच्चों को। मुझे कंफर्म नहीं है, ये थोड़ी सी मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ, मैं नहीं कंफर्म कर पाई कि बच्चे आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे तो साथ नहीं गए थे और मैंने वहाँ बच्चे देखे भी नहीं। तो ऐसी जगह पे वैसे भी जो है बड़े बच्चे हों स्कूल गोइंग 9-10 के, इनको आप लेके जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को तो मैं आपको बोलूँगी अवॉइड ही करें, क्योंकि इससे आपको भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप भी नहीं देख पाएंगे ना पढ़ पाएंगे, और बच्चे जो है अलग से आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो बेहतर है कि छोटे बच्चों को आप ना ही लेके जाएं, आप अकेले ही जाएं और इन्जॉय करें यहाँ जाके। इन्जॉय क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ जाके, नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें टेप रिकॉर्डर्स थे, रेडियो थे, और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी करेंसीज लगी हुई थी, ये हर कंट्री की करेंसीज लगी हुई थी। और टेप रिकॉर्ड्स तो इतने किस्म के थे, ये देखें ये पहले ज़माने में जो स्क्रीन लगती थी सिनेमा में वो भी लगाई हुई थी इन्होंने, मतलब इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो कि आप एक्सप्लोर इन्होंने ना की हो या आपको ना पता हो। इन्होंने पिक्चर्स में भी बताया हुआ है, इन्होंने वैसे प्रैक्टिकली भी बताया हुआ है, फिज़िकली भी दिखाया हुआ है कि आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था ऊपर का रास्ता फर्स्ट फ्लोर का, इसके बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो रह गया हो उसके लिए माजरत। लेकिन मैं बार बार आपको रेकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर जाएँ। मैं हर वीडियो के लिए आपको नहीं बोलती, यहाँ मुझे खुद भी जाने का क्रेज़ था, फिर जाने से पहले मैंने सोचा ऐसा ना हो मैं जा तो रही हूँ, जाना फजूल ना हो जाए, ऐसा ना हो मैं अपनी ऑडियंस को भी कुछ ना दिखा पाऊँ और मैं भी बोर हो जाऊँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे चलते जाने में इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब हम बोर नहीं हो रहे थे। अच्छा ये थी विंडो थी, यहाँ पे आप सिट नहीं कर सकते, इसलिए सिट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के पिक्चर्स लेने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको पिक्चर्स लेनी है तो आप रूफ टॉप पर जाके ले सकते हैं जहाँ इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अच्छा ये कराची को इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ था, ये देखें ये जोड़िया बाज़ार और टावर और एम्प्रेस मार्केट, इसके अलावा नीपा, सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी पिक्चर्स थी जो मैं मतलब क्लिप में ले पाई, वो मैंने ले ली वीडियो में, क्योंकि वहाँ और लोग भी आए हुए थे तो अच्छा नहीं लगता, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि हम वीडियो में ना आए। तो एतराज़ ना भी करें तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को ना दिखाऊँ जिनको नहीं एतराज़ होता, और जो खुद बोलते हैं कि आप हमें भी वीडियो में लें तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं उनको वीडियो में ले लेती हूँ। तो आप लोगों को मैं बताती भी रहूँगी, और जो चीज़ आपको समझ ना आए मैप पे, अगर आपको ना समझ आए, लोकेशन समझ में ना आए, और इसके अलावा आपको इसके बारे में जो भी जानना हो कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए या आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आपको जाना चाहिए है या आप किस चीज़ के शौकीन हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर तो वही लोग जाएँ जिनको शौक है, मतलब कि आपको विजिटिंग बंदे हैं आप स्टूडेंट हैं और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लेने का शौक है मेरी तरह, तो आप लोग ज़रूर जाएं। मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की हिस्ट्रीज देखने में और इनको एक्सप्लोर करने में, वैसे भी बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। देखिए इन्होंने क्रॉकरी भी लगाई हुई थी, पहले ऐसी क्रॉकरी चलती थी लेकिन अब इस टाइप की जो है अब दोबारा से इन लोगों ने शुरू कर दिया, मतलब पाकिस्तान में तो दोबारा से इस तरह की बर्तन वगैरह शुरू हो गए। ये देखिए मैंने ऊपर से बनाई थी, तो ये शाम का टाइम हो रहा था, मैंने पूरी कोशिश की मैं आप लोग को डे व्यू भी दिखाऊं और नाइट व्यू भी दिखाऊं कि आप लोग जा सकते हैं। अच्छा मंडे को ये क्लोज़ होता है, पूरे डेज़ आप जा सकते हैं, वीक में मंडे को ही क्लोज़ होता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। तो ये जो इनका नीचे का एरिया था वहाँ देखिए स्टूडेंट काफ़ी सारे बैठ के पढ़ रहे थे, स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे और जिनको काम करना था वो भी काम कर रहे थे ऑफिस का यहाँ पे, जिनको घर पे बच्चे तंग करते होंगे वो यहाँ बैठ के काम कर रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह थी, इतने लोग होने के बावजूद मैं ये हैरान थी कि कोई शोर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो शायद रीज़न ये था कि किसी के साथ बच्चे नहीं थे।
तो इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये फैमिलीज ओनली, यानी कि रूफ टॉप पर आप जा सकते हैं फैमिलीज़ के लिए, और वैसे भी ये जो है सिंगल लोगों के लिए अलाउ नहीं, मतलब लेडीज़ आ सकती हैं, जेंट्स के लिए अलाउ नहीं है। ये व्यू इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। ये देखें, ये इन्होंने हार्ट बनाया हुआ है और बीच में इन्होंने दिखाया हुआ है कायद अजम का मज़ार। तो अब आप यहाँ से लोकेशन भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साइड पे आपको पड़ेगा। फिर भी मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आप किस साइड से आ रहे हैं, आपको किस साइड पे जाना है, लेकिन आप जब इसको मैप पे डालेंगे लोकेशन को तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इतना रश था कि हमें बैठने की जगह भी नहीं मिली थी। हमने सुना था यहाँ की चाय बहुत स्पेशल है, यहाँ की पिज़्ज़ा फ्राइज बहुत स्पेशल है, यहाँ के पकौड़े बहुत स्पेशल हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह हम उसको ट्राई करें, लेकिन हमें यहाँ जगह ही नहीं मिली। हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर इतने हमें मगरिब हो गई थी इतनी देर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। आपको जिस तरह की वीडियो देखनी आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात मैं लास्ट में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग को आराम से वीडियो दिखा दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, हर जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे बता दें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं वही दिखाऊँ। उसका नाइट व्यू भी अमेजिंग था और डे व्यू भी अमेजिंग था, लेकिन नाइट व्यू तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो फिर मैंने आपके लिए बाहर से भी क्लिप ली। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी मिली लगी। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे व्लॉग्स लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।